हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साइंटिफिक पाइथन में एक ग्राफ क्या होता है, एक इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे स्टोर करेंगे हम लोग वो समझते हैं। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि हम लोग जब भी साइंटिफिक पाइथन में काम करेंगे, यानी कि स्टेप पीवाई में काम करेंगे, तो हमको मॉड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल्स क्या है, यहाँ बने बने मॉड्यूल्स हैं, हम लोग उन्हीं मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। अब हमको ग्राफ का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग एक मॉड्यूल्स होता है, ठीक। अब मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग जो मॉड्यूल्स होगा वो है py.sphere.cs ग्राफ। ये मॉड्यूल होगा जिसपे हम लोग काम करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दो चीज होंगी। देखिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे एडजेसेंट मैट्रिक्स से, यानी कि n क्रॉस n मैट्रिक्स के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। n क्या होगा, हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्राफ होगा, ठीक। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए हमारा, ठीक। इसको हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ठीक, 1 2, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन एलिमेंट्स, यानी कि ए और बी के बीच में जो वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के सी के बीच में जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये हमारी वैल्यूज हो गई हैं, ठीक। दो एलिमेंट हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी है, 1 है। ए और सी के बीच में जो वैल्यू है वो क्या है, सी है, ठीक। अगर यहाँ पे इसी ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे देखो, ठीक, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी हमारा एलिमेंट्स हैं, और कनेक्टेड देखो कैसे हैं, ए एंड सी कनेक्टेड हैं, ए एंड बी कनेक्टेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक। अब इनका जो वेट है, ए एंड सी का वेट कितना है, 2 है। देखो ए और सी का वेट कितना है, 2 है, और ए और बी का वेट कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए, दो हमारे पास कनेक्टेड है एलिमेंट है, ए एंड सी एंड ए एंड बी हमारे पास कनेक्टेड है, और कौन सा कनेक्टेड नहीं है, देखिए सी से बी कनेक्टेड नहीं है, ठीक, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक। अगर हम लोग इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए बी सी हमारे 3 एलिमेंट हैं, तो ए बी सी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ए से ए कनेक्टेड है, ठीक, ए से ए क्या है, सेल्फ है, ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। ए से बी कितना वेटेड है, ए से बी कितना, 1 है। ए से सी कितना है, 2 है, ठीक। नाउ बी से ए कितना है, 1। बी से बी क्या है, सेल्फ है, तो 0 आ जाएगा। बी से सी कितना है, बी से सी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। नाउ सी से सी से कितना है, सी से ए कितना है, 2 है। सी से बी नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ये देखिए कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सी से सी सेल्फ लूप है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंट मैट्रिक्स हो गई, ठीक। नाउ हम लोग एक अब प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक, प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द ऑल द कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। अब कनेक्टेड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी बताया कि ए से बी कनेक्टेड है, ए से सी कनेक्टेड है, बट बी से सी कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो कौन से कनेक्टेड हो गए, ए से बी और ए से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। इसी चीज को हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड, ठीक। बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करेंगे, फाइंड करने की बात करेंगे, और हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग के पास एक बना बनाया क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है। कौन सा मॉड्यूल होता है, बना बनाया, कौन सा, कनेक्टेड अंडरस्कोर कंपोनेंट्स, ये बना बनाया क्या होता है, एक मॉड्यूल्स होता है। इसी का हेल्प लेंगे हम लोग को, किस लिए, कि सारे जो कनेक्टेड कंपोनेंट है उनको फाइंड करने के लिए इसी मॉड्यूल्स का, इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ऑलरेडी हमने कोड लिख लिया है, मैंने अभी बताया है, हम लोग इम्पोर्ट नंपाई ऐसा एनपी करेंगे, और अभी बताया मैंने आपको, ग्राफ पे जब भी काम करेंगे तो आपको ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये मॉड्यूल्स हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया, और हम लोग किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अभी मैंने बताया कि जब भी कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करना होता है, एक मेथड होता है, उसको हम लोग ने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया इस लाइब्रेरी के अंदर से। उसके बाद हम लोग ने स्फीयर इंपोर्ट सीआरसी, यानी कि रो पे काम कर रहे हैं, उसको हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया सी एस आर क्या होता है, सी एस सी क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग ने दिया ये क्या हो गया, ये हमारा कनेक्टेड हो गए, ठीक। ये हमारे पास एरे है, एरे हमने दिया। अभी मैंने बताया कि अगर एक 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक, और ए से बी का वेटेड कितना है, 1 है, ए से सी का वेटेड कितना है, 2 है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इधर डायग्राम से भी बता दिया, और डायरेक्टली हम लोग ने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी, ठीक। और हम लोग न्यू वेरिएबल लिया, CSR मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, वहां पे हम लोग ने एरे पास किया, और हम लोग ने क्या कर लिया, फाइंड कर दिया कितने कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, ठीक। तो हम लोग को कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड कर दिया, और उसको प्रिंट करा दिया, हम लोग के पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। कनेक्टेड कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे शो होकर आ गया, ठीक।
नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। डिजास्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब डिजास्टर होता क्या है, आपने डाटा शीट में पढ़ा होगा कि डिजास्टर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, ठीक। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग साइंटिफिक पाइथन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे तीन आर्गुमेंट लेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले हम लोग का जो आर्गुमेंट होगा वो होगा रिटर्न प्रीडेसेसर। अब ये क्या करेगा, ये बुलियन को आउटपुट बुलियन वैल्यू को हमको देगा। ये कब देगा, जब ट्रू टू रिटर्न होल पार्ट ट्रैवर्स अदरवाइज फॉल्स, जब पूरा का पूरा जो पाथ होगा वो ट्रैवर्स हो जाएगा तो हम लोग को जो बुलियन में आंसर देगा कौन सा, ट्रू और फॉल्स। अगर पूरा हम लोग पाथ ट्रैवर्स कर लेंगे ट्रू देगा, अदरवाइज हमको क्या वैल्यू देगा, ये फॉल्स देगा, ये ट्रू और फॉल्स पे काम करेगा। ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। सेकंड आर्गुमेंट होगा क्या, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होगा, तो इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट रिटर्न ऑल द पाथ फ्रॉम दैट एलिमेंट ओनली, हम लोग को पाथ को रिटर्न करके ये देगा। ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया, ये सेकंड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट होगा एक लिमिट। लिमिट के इस्तेमाल इसलिए करेंगे जो मैक्सिमम वेट होगा पाथ का वो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक। इसको कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं। कोडिंग फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख लिया है। कोड क्या लिखा है, हम लोग ने ऑलरेडी सेम वही काम करना है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, उसमें हम लोग ने क्या इम्पोर्ट किया था, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया था, बट यहाँ पे हम लोग डिजास्टर का इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद सेम वही काम है, सी एस आर मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे और उसका हम लोग ने यहाँ पे एरे दे देंगे। एरे ऑलरेडी हमने दे दिया, ठीक। सेम वह काम करना है, देखिए मैंने आपको बताया था तीन आर्गुमेंट लेने हैं, तीन आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिया मैंने, रिटर्न प्रीडेसेसर ले लिया, इंडेक्स ले लिया, ठीक, यहाँ पे ले लिया। और हम लोग ने क्या कर लिया, इसको प्रिंट कर, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। जो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, जैसे होगा ये हमारा रिटर्न होकर आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साइंटिफिक पाइथन में डिजास्टर इस्तेमाल होगा और वॉर्सल इस्तेमाल होगा, ठीक। वॉर्सल के बाद बेलमन फोर का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे बेलमन फोर का इस्तेमाल करते हैं, फिर होगा डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज यहाँ पे हम लोग करके देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज बात यह है कि आपको बना बनाया लाइब्रेरीज है, उसको डायरेक्टली आप इम्पोर्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट करने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम आगे बढ़ते हैं, वॉर्सल की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। वॉर्सल में भी क्या है, वॉर्सल मेथड भी क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड करने के लिए होता है ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट है, हम लोग वहां पर डिजास्टर को इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग वॉल्डे वॉर्सल को इंपोर्ट कर लेंगे, सेम वही आर्गुमेंट लेंगे, ठीक, और हम लोग के पास आंसर ओवरऑल यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, ठीक। नाउ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए जो अल्गोरिथम होती करती क्या है। नाउ सेम बेलमन फोर्ड की बात करें अगर हम लोग, बेलमन फोर्ड ऑल्सो यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल द एलिमेंट, बट यहाँ पे एक चीज होती है, बाकी जो एलिमेंट थे वो नेगेटिव वेट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बट जो बेलमन फोर्ड है ये नेगेटिव वेट को क्या करता है, हैंडल करता है। तो सेम वही काम करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली बेलमन फोर्ड को, ठीक, वही काम करना है, सेम यहाँ पे लगना है, सेम वहां पे हम लोग ने आर्गुमेंट लेना है, ठीक। आर्गुमेंट सेम वहां पे होगा, आर्गुमेंट होने के बाद हम लोग के पास आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक। डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ये रिटर्न करता है डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्स फ्रॉम अ नोड, यानी कि जो नोड होता है जो हम लोग कैसे ट्रेवल्स कर रहे हैं वो जो हमको वो हम लोग को रिटर्न करके देता है, जो फर्स्ट ट्रेवर्स होता है उसको रिटर्न करके देता है। अब कैसे वो वर्क करता है वो देखें, यहाँ पे क्या होता है डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट होता है द ग्राफ, सेकंड होता है द स्टार्टिंग एलिमेंट टू ट्रेवर्स ग्राफ फ्रॉम, हम लोग कहाँ से ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक, यानी कि जो ग्राफ अगर एक ये नोड है यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक। अगर बी से कर रहे हैं स्टार्ट तो बी से हमारा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये चीज यहाँ पे आर्गुमेंट होती है, ठीक। सेम वही काम करेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे एरे डिफाइन कर देंगे, ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, ठीक। हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, वन से कर रहे हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पे डिफाइन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो वन है, हम लोग यहाँ पे वो डिफाइन चीज कर रहे हैं, ठीक। आपको बताना पड़ेगा कि जो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवर्स कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, ठीक। नाउ सेम कॉन्सेप्ट बात की जाए बेस्ट फर्स्ट ऑर्डर में बात की जाए, ये भी काम करता है, ये भी वही काम करता है कि जो नोड को रिटर्न करता है, जो ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्स होता है जो उसको रिटर्न करता है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट होता है, द ग्राफ होता है और द स्टार्टिंग एलिमेंट टू ट्रेवर्स द ग्राफ होता है, ठीक। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको बताना पड़ेगा कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, सेम कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्ट करने वाली बात है वो चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या इम्पोर्ट कर रहे थे हम लोग, वहां पे इम्पोर्ट कर रहे थे डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, ब्रेस्ट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक।
ये ऑलरेडी मैंने डेटा सेक्शन में पढ़ा रखा है कि डेप्थ फर्स्ट क्या होता है और ब्रेथ फर्स्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग विद द स्पेशल डेटा। स्पेशल अगर बात की जाए, एक होता है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी तक बताया आपको डेंस डेटा होता है, ठीक, और स्फीयर डेटा होता है। ठीक, अब बात करेंगे पार्शियल डेटा के बारे में, बात करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, अब ये एक टाइप का स्पेशल डेटा होता है, ये जो क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है डेटा इन अ ज्योमेट्रिक स्पेस में। ठीक, अब ज्योमेट्रिक स्पेस क्या होता है, आपको पता होगा कि जहां पे आप ग्राफ आपने देखा होगा, छोटे में आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ होता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे वैल्यूज होती है, इसी वैल्यूज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को डिफाइन करते हैं, पॉइंट से हम लोग जॉइन करते हैं, एक तीन मल्टीपल पॉइंट होते हैं उनको हम लोग जॉइन करते हैं और हमारा क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, अब उसी चीज को, उसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग फॉर्म में करेंगे, हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग कुछ पॉइंट्स हो गए, उस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक, और प्लॉट करने के बाद हम लोग उसके सारे डील करेंगे हम। ठीक, हम लोग फाइंड करना होगा कि फाइंड इफ अ पॉइंट इज इनसाइड अ बाउंड्री और नॉट। ठीक, बाउंड्री के अंदर वो पॉइंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उस पॉइंट को हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक, आपने अभी देखा होगा कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम की बात की जाए, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग उसमें कुछ मल्टीपल्स पॉइंट होते हैं, मल्टीपल पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। ठीक, और फिर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो उसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। ठीक, आप चेक करेंगे ये दोनों पॉइंट जो है लाइन के अंदर है बाहर, अगर बाहर है तो चेक करेंगे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा, अगर मान लीजिए मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट बना हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे लेंगे तो इससे फिर हम एक बाउंड्री बनाएंगे। ठीक, नाउ कनेक्ट करेंगे, फिर देखिए ये बाहर हो गया। ठीक, फिर इस तरह इसको कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को। ठीक, इस तरह हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक, ये इस क्लॉकवाइज तरह मूव करता है। ठीक, ये कॉन्वेक्स हल की प्रॉब्लम है। ठीक, नाउ अब हम लोग इसमें बात करेंगे, अगर हम साइंटिफिक पैथन की बात करें तो इसमें भी ये होता है, ट्रायंगुलेशन होता है। ये क्या होता है कि जो पॉलीगन होता है जो डिवाइड कर देता है मल्टीपल ट्रायंगल में। ठीक, जो जो कंप्यूट करता है एरिया ऑफ पॉलीगन। अब कैसे इसका वर्क करता है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक मैथड होता है। ठीक, जो ट्रायंगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन सा मैथड होता है, वो मैथड होता है ये वाला डी लैंग्वेज, इसको ये हमारा पॉइंट होता है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पॉइंट डिफाइन करते हैं। ठीक, जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। ठीक, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एरे के फॉर्म में। ठीक, अब सेम कॉन्सेप्ट है, आपको इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा। ठीक, इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्योंकि ग्राफ बनाना है तो मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। पॉइंट्स डिफाइन करने के बाद हम लोग जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक, डिस्प्ले कराने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कोड है ये ना, ये ओवरऑल किस चीज का कोड है, ये क्रिएट अ ट्रायंगल फ्रॉम अ फॉलोइंग कोड, हमको पॉइंट्स गिवन होंगे उसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगुलेशन बनाएंगे। ठीक, और हम लोग अगर बनाए देखें कैसे बनता है इसको, तो यहाँ देखिए इस तरह का पॉइंट्स यहाँ पे बन रहा है, ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ये 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 पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड जॉइन कर रहे हैं, आपस में जॉइन कर रहे हैं। ठीक, हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रायंगुलेशन बना रहे हैं। ठीक, बट एक चीज मैंने अभी बताया, एक मेथड होता है जो हेल्प करता है। ठीक, ये मेथड हमारा है, बट यहाँ पे आप चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सिंपलाइज। ठीक, ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगल नोटेशन को। ठीक, ये बेसिकली क्या करता है, इट प्रॉपरली क्रिएट जनरलाइजेशन ऑफ द ट्रायंगल नोटेशन को। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, इसमें बात करते हैं हम लोग, मैंने अभी बताया कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम, सेम मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे उनको लेते हैं, पिक करते हैं और हम लोग एक ड्रॉइंग को कवर करते चलते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ठीक, ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ठीक, ये मल्टीपल पॉइंट्स है। ठीक, एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये समझने के लिए है, ये ऐसा नहीं करता, ये संबंध समझने के लिए, आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक, अब इस पॉइंट को ये मैक्सिमम पॉइंट है और हम लोग यहाँ पे शार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये मैक्सिमम पॉइंट मानेंगे, हम लोग इसको कवर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक, कुछ होगा यहाँ पे, ठीक, ये है, इसको कनेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक, इस तरह कनेक्ट हो गया, हम लोग किस तरह मूव करेंगे,
क्लॉकवाइज मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है तो इसको हम लोग लेंगे मैक्सिमम पॉइंट, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, देन ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट ये है तो इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसको कनेक्ट करेंगे फिर इसके साथ, ठीक डन, ये अंदर इसी में कनेक्ट करना है, ठीक। नाउ हम लोग नीचे मूव करेंगे, देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, देखिए छोटा सा रहेगा ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो हम लोग एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक। नाउ देखिए अगर ये भी बाहर रह गया तो हम लोग एक मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ भी है, ठीक, तो हम लोग इसको भी मैक्सिमम पॉइंट मानेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक। नाउ एक मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसको कनेक्ट करेंगे आपस में और इसको कनेक्ट करेंगे, ये देखिए कॉन्वर्स बन गया। बट हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर की जो लाइंस हैं, ठीक, जो अंदर की लाइंस हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, उनको हम लोग मिटा देंगे, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये हम लोग मिटा देंगे, ये अलग, ये जो हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे तब होता है, ये जब कोडिंग की हेल्प से करेंगे तो ये लाइन नहीं शो करती, ये लाइन नहीं शो करती, जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये शो करेगा, ठीक। और यही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ठीक। पॉइंट्स लेंगे उस मैक्सिमम, जो लास्ट जो पॉइंट्स होंगे, जो बाहर के पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम पॉइंट मान के हम लोग आपस में कनेक्ट करते जाएंगे, हमारा क्या हो गया कॉन्वेक्स हल बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, मैंने इस तरह सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक, मैक्सिमम लेकर। यही चीज यहाँ पे की गया है, सबसे पहले क्या किया गया है, इसको इंपोर्ट किया गया है, हम लोग ने पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, कॉन्वेक्स हल को किया गया है, जो हर्स्ट पॉइंट है उसकी हेल्प लेकर हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्रॉ किया है, ठीक। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक, कैसे इस कॉन्वेक्स हल यूज करते हैं, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात करते हैं। जब इक्विलिब्रियम क्या होता है, गिवन पॉइंट के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उससे पहले भी कुछ होता है, हाँ ओके। केडी ट्री की बात करें, यहाँ ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑप्टिमाइज करता है जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उनकी क्वेरी को, ठीक। अब ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक मेथड होता है, इसके पास एक मेथड होता है, वो क्या होता है, यही सेम मेथड होता है केडी ट्री। इसी मेथड के हेल्प से हम लोग केडी ट्री ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। एक और मेथड होता है जिसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं क्वेरी, ठीक, जो ये क्या करता है, रिटर्न करता है डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नेबर एंड लोकेशन ऑफ द नेबर, ये चीज रिटर्न करता है। ये कैसे वर्क करता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने पर पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक। पॉइंट्स क्या होगा कि डिस्टेंस क्या, किससे, तुम्हारे डिस्टेंस से नेबर डिस्टेंस तक, ठीक। केडी मेथड का इस्तेमाल किया हम लोग, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो पॉइंट्स देंगे वहां पर पॉइंट्स हम डिफाइन कर देंगे, यहाँ दे देंगे, उसके बाद सीधे सिंपल जो क्वेरी होगी, ठीक, उस क्वेरी में हम लोग यहाँ पे देंगे क्या है कि 1:1 क्या क्वेरी है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और ये हम लोग क्या कर देगा, डिस्टेंस प्रिंट कर देंगे, तो हम लोग क्या करेगा, डिस्टेंस दे देगा। डिस्टेंस कहाँ से देगा, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस दे देगा, ठीक। नियरेस्ट डिस्टेंस किसकी, पॉइंट्स की, कौन से पॉइंट की, 1:1 की, ठीक। इसकी हेल्प से हम लोग को नियरेस्ट डिस्टेंस दे देगा, ठीक, 2.0, ये हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी सेम इसी तरह काम करता है, ठीक। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या करता है, ठीक, ये भी डिस्टेंस फाइंड करता है बिटवीन गिवन पॉइंट्स के, पॉइंट्स कौन से, दो पॉइंट्स कोई होते हैं, ठीक, यानी कि एक पॉइंट P1 हो गया, एक पॉइंट P2 हो गया, उसकी हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट वाला है कि x1 - x2² + b2 - b1 का होल स्क्वायर, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे, ठीक, जो एरे होता है मैटलैब एरे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू, तब तक।